हेलो क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द अनदर पार्ट ऑफ यूनिट 1। इन दिस वीडियो वी विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स: कायरलिटी, एसिमेट्रिक कार्बन एंड एनेंशियोमेरिज्म। कायरलिटी, द टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉलिक्यूल्स एज हैव नो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, मीन्स विच हैव नो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। कायरलिटी टर्म उन मॉलिक्यूल्स के लिए यूज किया जाता है जिन एलिमेंट्स में सिमेट्री नहीं होती है, या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता है, या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता है। दस एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड कायरल मॉलिक्यूल्स एंड ऑप्टिकल एक्टिविटीज एट्रीब्यूटेड टू सर्टेन कायरल सेंटर्स इन देम। इसीलिए जो एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कायरल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, एंड ऑप्टिकल एक्टिविटीज इज एट्रीब्यूटेड टू सर्टेन कायरल सेंटर्स। एंड एसिमेट्रिकल कार्बन इज अ कायरल सेंटर। जो एसिमेट्रिक कार्बन होता है वही कायरल कार्बन भी कहलाता है, या कायरल सेंटर भी कहलाता है। कायरलिटी इज लोस्ट व्हेन टू एटम्स बॉन्डेड टू एसिमेट्रिक कार्बन बिकम सिमिलर। कोई भी ऐसा कार्बन जिसके पास दो सिमिलर एटम्स अटैच्ड हो, तो वो वाला कार्बन कायरल कार्बन नहीं कहलाता है, या फिर इन अदर वर्ड्स वी कैन से द कायरलिटी कैन बी लोस्ट इफ टू सिमिलर एटम्स आर अटैच्ड टू दैट कार्बन। दस व्हाइल लैक्टिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड प्रोपियोनिक एसिड इज नॉट। इसीलिए इसका एग्जाम्पल है एक कि लैक्टिक एसिड जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जबकि प्रोपियोनिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। द नेसेसरी कंडीशन फॉर मॉलिक्यूल टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज डाइसिमेट्री और कायरलिटी। किसी भी कंपाउंड के लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए ये एक नेसेसरी कंडीशन है, इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि उसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, या वो कंपाउंड एसिमेट्रिक या डाइसिमेट्रिक होना चाहिए। Thus, all organic compounds which contain an asymmetric carbon atom are chiral and exist in two tetrahedral forms. इसीलिए जितने भी organic compounds होते हैं जिनमें asymmetric carbon present होता है, उनमें chiral carbon, उनको chiral compound भी बोल सकते हैं, या फिर वो asymmetric compound बोल सकते हैं, और वो दो tetrahedral forms में exist करता है। नेक्स्ट, वॉट इज एसिमेट्रिक कार्बन। अ कार्बन एटम इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग एसिमेट्रिक व्हेन फोर डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स आर बॉन्डेड टू इट। कोई भी कार्बन एटम को हम, या ऐसे किसी कंपाउंड को हम एसिमेट्रिक तब कहेंगे जब उसमें प्रेजेंट कार्बन एटम चार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से, या चार डिफरेंट डिफरेंट एटम्स से जुड़ा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज कार्बन and this is attached with four different types of atoms like A, B, D and E. So this carbon will be known as asymmetric carbon or chiral carbon, और हम इसको denote करते हैं एक star लगाकर। An asymmetric carbon is a formula is usually indicated by an asterisk placed near it. All organic compounds containing one asymmetric carbon atom are optically active. ज़्यादातर जो compounds organic compounds होते हैं जिनमें asymmetric carbon atom होता है वो optically active होते हैं। These types of molecule possess two main properties. इस तरीके के molecules में दो main properties होती हैं: no plane of symmetry and non-superimposable mirror images. First one is no plane of symmetry, मतलब कि उनमें कोई symmetry present नहीं होती है। No plane of symmetry, a plane of symmetry is a plane which divides an object in such a way that the part of it in on one side of the plane is the mirror image of that on the other side of the plane. Example, bowl. नो प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम एक बोल के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को टू डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हमें जो फर्स्ट पार्ट है
वो सेकंड पार्ट का मिरर इमेज होना चाहिए। नेक्स्ट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल ओनेट्स मिरर इमेजेस। जो उसके मिरर इमेजेस बनती है वो एक दूसरे के लिए नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। एन ए सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट कांट बी सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज एज आई हैव टोल्ड यू। दस द राइट हैंड प्रोड्यूसेस अ मिरर इमेज विच इज़ आइडेंटिकल टू विद योर लेफ्ट हैंड। इसका एग्जाम्पल हम हैंड्स के थ्रू ले सकते हैं, हैंड्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम अपने राइट हैंड की मिरर इमेज देखते हैं तो वी कैन सी आर लेफ्ट हैंड इन द मिरर। सो हमारा लेफ्ट हैंड हमारे राइट हैंड को सुपर इम्पोज नहीं कर सकता, दैट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल। सो वी कैन से दैट द मिरर इमेजेस ऑफ आर हैंड्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हैंड। वाइल वी सी आर लेफ्ट हैंड इन द मिरर, सपोज दिस इज मिरर, वी कैन सी द मिरर इमेज ऑफ राइट हैंड एंड बोथ इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर। हियर आर द अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ मिरर इमेजेस लाइक दिस, द लोगो ऑफ एप्पल, दीज आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, सेकेंड एंड थर्ड वन। इन द थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर कार्बन और उससे जुड़े हुए डिफरेंट डिफरेंट एटम्स को अलग अलग कलर्स से दिखाया गया है ताकि मिरर इमेजेस को आइडेंटिफाई करने में ईजी हो। अनदर एग्जाम्पल्स ग्लूकोज, टू ब्यूटेनॉल एंड लैक्टिक एसिड। नाउ व्हाट इज एन एनशुमरस? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स। इस तरीके के कंपाउंड्स जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाते हैं उन कंपाउंड्स को या उन मॉलिक्यूल्स को एनेंशियोमर्स बोलते हैं। द वर्ड एनेंशियोमर इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एनेंशियो एंड मेरोज। एनेंशियो का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम एनेंशियोमर्स बोलते हैं। मीन्स जब जो हम मिरर इमेजेस पढ़ रहे हैं दीज आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स। इट इज़ ऑब्वियस दैट ऑप्टिकल आइसोमर्स और एनेंशियोमर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन कंपाउंड डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ द ग्रुप इन टेट्राहेड्रल पर्सपेक्टिव। जो ऑप्टिकल आइसोमर्स या एनेंशियोमर्स होते हैं वो एसिमेट्रिक कार्बन की प्रेजेंस के कारण ही उनका जो कॉन्फिगरेशन है या फिर जो उनके एटम्स का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है। दिस मे बी इलस्ट्रेटेड बाय टेकिंग फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द कंपाउंड विच एग्जिस्ट एज प्लस एंड माइनस एनेंशियोमर्स। प्लस एंड माइनस एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? प्लस जो राइट की तरफ को पीपीएल को रोटेट करते हैं और माइनस जो लेफ्ट साइड को पीपीएल को रोटेट करते हैं। दीज आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। लेकिन यहाँ पर क्या है? कैपिटल डी एंड कैपिटल एल है। नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑफ एनेंशियोमर्स। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर एसिमेट्रिक कार्बन एटम शोज एनेंशियोमर्स। ज़्यादातर क्या होता है कि जो कंपाउंड्स में एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, एक या एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, वो एनेंशियोमेरिज्म शो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है मीजो टार्ट्रिक एसिड का। मीजो टार्ट्रिक एसिड में दो एसिमेट्रिक कार्बन है लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सिमिलरली ट्रांस साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल हैज एसिमेट्रिक कार्बन। इसके पास भी एसिमेट्रिक कार्बन है बट सिंस इट हैज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री द कंपाउंड इज नॉन डाइसिमेट्रिक। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसीलिए नॉन एसिमेट्रिक है, यानी कि ये सिमेट्रिक है एंड एग्जिबिट नो एनेंशियोमेरिज्म। ऑन द अदर हैंड देर आर सर्टेन कंपाउंड सच एज एलिन्स एंड विच आर डाइसिमेट्रिक बट कंटेन्स नो एसिमेट्रिक कार्बन येट दे डिस्प्ले एनेंशियोमेरिज्म। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जैसे कि एलिन्स होती हैं
वो डाइसीमेट्रिक होते हैं, मतलब कि उनमें ए सिमेट्री प्रेजेंट होती है, लेकिन वो एनेंशियोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। दस दिस इज द एविडेंट दैट इट इज कायरलिटी एंड नोट द प्रेजेंस ऑफ ए सिमेट्री कार्बन एटम विच इज द क्राइटेरिया ऑफ एनेंशियोमेरिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एग्जाम्पल्स विच वी हैव शोन इन द प्रीवियस स्लाइड ऑल्सो, कि कायरलिटी ही एक ऐसा एविडेंट है जो बताता है कि कंपाउंड एनेंशियोमर है।